हथियार सप्लाई को रोकेंगे। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जिसका लक्ष्य है नवा पंजाब। इतिहास गवाह है, पंजाब की मजबूती देश को मजबूत करती रही है। मैं पंजाब की माताओं, पंजाब की बहनों, पंजाब की बेटियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, नशे की जिस समस्या ने आपको, आपके परिवार को तबाह करके रखा है, जिसके कारण आप परेशान हैं और आप लोग, जिससे पंजाब को आजाद कराना चाहती है, जिससे अपनी संतानों को दूर रखना चाहती है, पिछले चुनाव में जिन लोगों ने नशे के संबंध में भांति भांति के भाषण किए और चुनाव समाप्त होते ही खो गए, उन्होंने आपकी तो मदद नहीं की, उल्टा इस कमी को, इस बीमारी को दिल्ली के नौजवानों तक पहुंचा दी। वो लोग आज फिर वहां पहुंचे हैं और यहां आकर मीठी मीठी बातें करके आपसे फिर वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से पंजाब को बहुत सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, पंजाब को आज कोरे वायदे नहीं चाहिए। एनडीए सरकार के, डबल इंजन की सरकार के ईमानदार इरादे चाहिए, ईमानदार प्रयास चाहिए। पंजाब को आज हर स्तर पर आधुनिकता की जरूरत है। ये काम कांग्रेस के बस का नहीं है और जिन्होंने दिल्ली को झुग्गी झोपड़ी में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है उनका तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस अपने कैप्टन साहब के अपमान में ही ऊर्जा लगाती रही। ये काम उनके बस में भी नहीं जो दिल्ली तक को नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में पंजाब के सामने अगर कोई मजबूत विकल्प है, पंजाब के हितों के लिए अपने आप को खपाने वाला कोई विकल्प है, तो विकल्प है भाजपा और एनडीए। हम 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हैं। इस विजन का पंजाब बहुत अहम हिस्सा है। जब यहां विकास का डबल इंजन लगेगा तो पंजाब में विकास की गति भी बढ़ेगी और प्रगति भी आएगी। साथियों, एनडीए के पास नवा पंजाब का विजन है और काम का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। केंद्र सरकार की मदद से पंजाब के अमृतसर में आईआईएम और भटिंडा में एम्स बनाया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भी पंजाब के कई जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत में से लगभग 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ पंजाब में लगने वाला है। इससे कई जिलों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अगर पंजाब में काम करने वाली सरकार हुई तो नई फैक्ट्रियां भी वहां आएगी।
कभी दूसरे पड़ोसों के नौजवानों को रोजगार देने वाले पंजाब से आज पलायन शुरू हो गया है। ये हालत भी उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही बदली जा सकती है, पलायन रोका जा सकता है। भाई और बहनों, यहां मंडी गोविंदगढ़ पारंपरिक रूप से स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो संसाधन चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके तहत इस तरह के सभी औद्योगिक केंद्रों का विकास करेगी। लुधियाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को तेजी से नई ऊर्जा की जरूरत है। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अभी खास तौर पर पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। एनडीए सरकार जब यहां बनेगी तो ऐसी योजनाएं तेजी से लागू हो पाएगी जो पंजाब का कल्याण करेगी, पंजाब को विकास की नई ऊंचाई देगी। साथियों, पंजाब की खेती ने भारत को हमेशा ताकत दी है, लेकिन जो दल बरसों तक पंजाब की सत्ता के केंद्र में रहे, उन्होंने पंजाब के किसानों को क्या दिया? पंजाब के किसान को कर्ज से, बंजर होती जमीन से, कैंसर देने वाले पानी के पीने के पानी से मुक्ति देने का इन दलों के पास कोई रोडमैप ही नहीं है। पंजाब के किसानों को चाहिए बीज से बाजार तक आधुनिक व्यवस्थाएं। पंजाब के किसानों को चाहिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग के उद्योग। पंजाब के किसानों को चाहिए अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी। इन सभी क्षेत्रों पर हमारी डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी। साथियों, पंजाब के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े, ऐसे हर काम को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। छोटे किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। सबसे ताजा उदाहरण फर्टिलाइजर का है। पिछले साल हमारी सरकार ने पीएनके फर्टिलाइजर के लिए करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी बढ़ाई। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। इस बजट में भी हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया है। भाई और बहनों, आज पहली बार पंजाब में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद के साथ यहां के किसानों को इसका पैसा सीधा बैंक खाते में भेजा जा रहा है। 2014 से पहले के 7-8 सालों में पंजाब के किसानों को धान की फसल के एमएसपी के रूप में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया मिले थे।